Dear students, welcome to home classes. आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, इट्स इम्पोर्टेंस एंड स्कोप. तो सबसे पहले इन्वायरमेंटल साइंस क्या है, तो हम इसको पहले क्लियर करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस इज, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट एनवायरनमेंट. द वर्ड एनवायरनमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एनवायरन व्हिच मीन्स सराउंडिंग और एनवलोपिंग. जो शब्द एनवायरनमेंट है वो फ्रेंच वर्ड एनवायरन से निकला है, जिसका मतलब है आपका आसपास, सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो एनवायरमेंटल साइंस, जैसा कि आप सब जानते हैं, कि सबसे पहले इन्वायरमेंटल साइंस को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ने की जो ज़रूरत है, हमें क्यों आन पड़ी. तो अगर इंडिया की बात करें तो दिसंबर 1984 में भोपाल में एक ट्रेजिडी हुई थी. आप सब जानते हैं भोपाल गैस ट्रेजिडी के नाम से, तो पूरे दुनिया भर में मशहूर है. तो वहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइट एक नाम का एक बहुत ही पॉइजनस गैस जो है वो लीक हो गया था. यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड जो एक कंपनी थी वहाँ से, जिसकी वजह से हज़ारों लोगों की जानें चली गई थी. तो 1990s में सबसे पहले, उस टाइम जब शुरू शुरू में जब लोगों को ज़रूरत पड़ी कि हज़ारों लोग अगर एक गैस की वजह से मर रहे हैं, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कैसे फैल रहा है उस गैस के लीक होने से, तो तब ज़रूरत पड़ी कि इन्वायरमेंटल साइंस को बढ़ावा दिया जाए. तो तब से लेके 1990s में इन्वायरमेंटल साइंस को एक सेपरेट, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के तौर पे स्कूल करिकुलम में इसको इंक्लूड किया गया. इसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में भी आगे पढ़ते रहेंगे. तो इन्वायरमेंटल साइंस जो है एक सिस्टमेटिक स्टडी है, एक साइंटिफिक स्टडी है इन्वायरमेंट. और इसके अंदर जो इसका आपने पहले यूनिट में ही पढ़ा है, पहले जो लेक्चर है उसमें भी हम पढ़ चुके हैं कि इन्वायरमेंट के अंदर इसके बायोटिक और एबायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट के बीच में एक इंटर रिलेशनशिप्स होते हैं, इंटरडिपेंडेंस होते हैं. तो उसी की सिस्टमेटिक स्टडी, उसी रिलेशन के जो साइंटिफिक स्टडी को हम इन्वायरमेंटल साइंस के तौर पे यहाँ पे पढ़ेंगे. तो इन्वायरमेंटल साइंस में, जैसा कि आप जानते हैं, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स दोनों होते हैं. इसीलिए इन्वायरमेंटल साइंस को पढ़ने के लिए हमें और भी बहुत सारे ब्रांचेस, साइंस की ब्रांचेस की ज़रूरत पड़ती है. जैसे यहाँ पे मैं फिज़िक्स का एग्जांपल ले रहा हूँ, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मेडिकल हेल्थ साइंसेज हैं, लाइफ साइंसेज हैं, एग्रीकल्चर साइंसेज हैं, फॉरेस्ट्री हैं, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, सो ऑन. तो दैट इज़ वाई एनवायरमेंटल साइंस इज आल्सो कॉल्ड एज मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट. जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट विच कम्बाइंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिकल हेल्थ साइंसेज, लाइफ साइंसेज, एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड सो मैनी ब्रांचेज ऑफ साइंसेज. तो दैट इज़ वाई इन्वायरमेंटल साइंस इज आल्सो कॉल्ड एज ए मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस. जो इन्वायरमेंटल साइंस है उसको स्टडी करने की जो ज़रूरत हमें पड़ी, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस इज़ टू प्रोटेक्ट द एन्वायरमेंट. जो एन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज उठ रहे हैं, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करेंगे, ओजोन लेयर डिप्लीशन की बात करेंगे, वाटर पोल्यूशन, सॉयल पोल्यूशन, तो इन सारी चीज़ों से कैसे हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे और इन्वायरमेंट जो है किस तरीके से डिग्रेड हो रहा है. जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड के अंदर 7 बिलियन जो है पीपल जो है वो पॉपुलेशन जो है लोगों की है,
तो जो अर्थ का जो जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे इन चीज़ों के नीड को मीट आउट करें, उसी के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले इन्वायरमेंटल साइंस को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के तौर पे स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका इन्वायरमेंटल साइंस और उसकी डेफिनेशन। तो नेक्स्ट हम ये साइंस जो है बेसिक आपका साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस क्या है, इसकी बाकी सारे क्यों हम इसको मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट कहते हैं, इसका जो रिलेशन जो है कि इन्वायरमेंटल साइंस को पढ़ने के लिए हमें इन सारे साइंसेस की, ह्यूमैनिटीज़ की, सोशल साइंसेस की जो ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ एक मैं चार्ट की मदद से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हैं, मॉडलिंग के लिए भी, टेक्नोलॉजी भी, मॉडलिंग के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, मैनेजमेंट और अवेयरनेस के लिए, और बेसिक अप्लाइड स्टडीज़ के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले लाइफ साइंस में बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एक्सेट्रा। मॉडलिंग की बात करें तो के मैथमेटिक्स में भी, स्टैटिस्टिक्स में, कंप्यूटर साइंस में। मैनेजमेंट और अवेयरनेस की बात करें, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, लॉ, एजुकेशन मैनेजमेंट, मॉस कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। टेक्नोलॉजी की बात करें कि सिविल, केमिकल, हाइड्रोलिक, नैनो टेक्नोलॉजीज, हर फील्ड में आप इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंटल साइंस का यूज़ करेंगे। तो फिजिकल साइंसेस की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री में, अर्थ साइंस, जियोलॉजी है आपका, एटमॉस्फेरिक साइंस है, सारी चीज़ों में हम इन्वायरमेंटल साइंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए इन्वायरमेंटल साइंस को हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ओर की तरह 11th और आगे हम फर्दर स्टडीज़ में आप इसको साइंस के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपका इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। तो इसमें सबसे पहले इन्वायरमेंटल साइंस को पढ़ने से हमें क्या क्या लाभ हो सकता है वो आपके पास यहाँ है। सॉल्विंग द इश्यूज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, तो पहला इसका इम्पोर्टेंस, इन्वायरमेंट के रिलेटेड कोई भी इश्यूज उठते हैं, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग का दिया, कोई भी नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी इश्यूज उठते हैं, उन सारी चीज़ों को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इन्वायरमेंटल साइंस की स्टडी करेंगे। पोल्यूशन है आपका, कई सारे एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन हैं, उनको अगर कंट्रोल करना है, जैसे कई सारे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं, तो किस तरीके से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, इन सबको आप कंट्रोल करना हो उसके लिए भी आप इन्वायरमेंटल साइंस की स्टडी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, आप 10th में भी पढ़ चुके हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या क्या हैं। रिसोर्सेज विच आफ्टर यूज कैन नॉट बी रिन्यूड अगेन, जो रिसोर्स जैसे हम सोल नॉन रिन्यूएबल में फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो एक बार यूज़ होने के बाद जो दोबारा रिन्यू ना हो, उनको, उनका ओवर एक्सप्लाइटेशन, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं उसको भी हमने कंट्रोल करना है, उनकी जगह अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए भी आप इन्वायरमेंटल साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो उसका भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। फूड प्रॉब्लम, कई सारे प्रॉब्लम्स फूड के रिलेटेड हैं, एग्रीकल्चर को लेके, पेस्ट कंट्रोल के लेके, कई सारे केमिकल का हम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे भी अगर आपको इन चीज़ों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हो तो आप इन्वायरमेंटल साइंस की स्टडी करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी टर्म है टू मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मीन्स हम ऐसा कोशिश करेंगे, अब हमें एग्जाम्पल मैं लूँगा हवा, ऑक्सीजन की बात अगर करें, हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन या हवा के बिना हम 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो अब हम एयर पोल्यूशन का अगर एग्जांपल लेते हैं तो हवा पोल्यूटेड हो चुका है, बहुत ही प्रदूषित हो चुका है, तो हम उसमें सांस नहीं लेंगे तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो क्यों ना हम ऐसा एक अल्टरनेटिव सोर्स निकालें जिससे जो हवा है वो शुद्ध भी रहें और उसको हम यूज़ भी करें और साथ साथ में आने वाले नए जनरेशन के लिए उसको बचा के रखें। तो उस किस्म का जो डेवलपमेंट हम चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं,
उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो उसके लिए भी इन्वायरमेंटल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप है मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोसिस्टम के अंदर जो बैलेंस है उसको बनाए रखना है, तो उसके लिए भी इन्वायरमेंटल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम सबसे पहले एग्जांपल लेंगे एफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन की। अगर हम शुद्ध हवा चाहते हैं तो सबसे पहले हमें पेड़ पौधे अगर हम काटते हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं, तो उसके बदले में हमें पेड़ पौधे लगाने भी हैं, उनको बचाना भी है, लोगों को भी समझाना है कि पेड़ पौधों के फ़ायदे क्या हैं, ग्रीन फैलिंग जो है क्यों नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आप इकोलॉजी को, पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। आजकल कई सारे एग्जांपल में आप स्टूडेंट्स अगर आप देखते हो, आपका कोई भी रफ ले लो, नोटबुक ले लें, कोई भी पेन ले लें, उन पे भी लिखा होता है इको फ्रेंडली, और 3 R आपके उसमें दिए होते हैं कि रीयूज़ कैसे करें, रिसाइकल कैसे करें, रिड्यूस कैसे करें। तो जो ये कंसेप्ट है 3 R's का, रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकल, उसको भी आप अच्छे से अगर समझना चाहते हैं तो इन्वायरमेंटल साइंस की मदद से समझ सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जितने भी आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन हमारे पास कुदरती संसाधन पड़े हुए हैं, उन चीज़ों को कैसे कंजर्व करना है तो उसको भी समझना है, तो उसके लिए भी इन्वायरमेंटल साइंस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। फूड चेन को समझना हो कि कैसे जो है हम इस इकोसिस्टम के अंदर हर एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है थ्रू फूड चेन, उसको समझना हो, और ये एक अटूट एक संबंध हमारे बीच में कैसे मेंटेन रहता है, उसके लिए भी आप इन्वायरमेंटल साइंस को पढ़ेंगे तो इसका आपको फ़ायदा होगा। अब आप समझ सकते हैं कि ये डेलिकेट जो है बैलेंस कैसे मेंटेन रहता है, ये जो इंटरडिपेंडेंट टाइप ऑफ जो रिलेशनशिप है अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में, उसको भी समझना हो तो आप इन्वायरमेंटल साइंस से समझ सकते हैं। एनकरेजिंग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, आप लोगों को ये समझा सकते हैं इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को कैसे उसको बचाना है, उसका संरक्षण कैसे करना है, उसके लिए आप लोगों को एनकरेज कर सकते हैं। तो ये सब जो है इन्वायरमेंटल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट आपका है स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। सबसे पहले स्कोप की हम अगर बात करें इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर, जब हम इन्वायरमेंटल साइंस की स्टडी करते हैं तो उसके स्टडी करने से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं।